हमले में जान गंवाने वाले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विद्याचरण शुक्ल की पुण्यतिथि मनाई गई। उनकी पुण्यतिथि के मौके पर राधेश्याम भवन में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मौजूद रहे। इसके अलावा मंत्री, विधायक सहित कांग्रेस नेता भी पुण्यतिथि कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने विद्याचरण शुक्ल की समाधि पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि 25 मई 2013 को झीरम में कांग्रेस के नेताओं की मौत हुई थी। विद्याचरण शुक्ल घायल हुए थे। 85 साल की उम्र में 4 गोलियां लगी। जीवन संघर्ष में 11 जून को उन्होंने देह त्याग दिया। छत्तीसगढ़ के लिए उनका योगदान भुलाया नहीं जा सकता, तो वहीं उन्होंने कहा है कि ये बेहद दुखद है कि विद्याचरण शुक्ल के षड्यंत्रकारी हत्यारे पुलिस की पकड़ से आज भी बाहर हैं। झीरम षड्यंत्र की जांच नहीं हुई, इसलिए राज्य सरकार ने एनआईए की जांच राज्य को देने को पत्र भी लिखा है, लेकिन केंद्र नहीं दे रहा है। सीएम ने कहा है कि सही श्रद्धांजलि उस वक्त होगी जब हत्यारे पकड़े जाएंगे। 25 मई से लेकर 11 जून तक वो जीवन मृत्यु से संघर्ष करते रहे और 11 तारीख को उन्होंने शरीर त्याग दिया। आज उनकी पुण्यतिथि है, उनको सही श्रद्धांजलि तब होगी जब उनके हत्यारे और षड्यंत्रकारी पकड़े जाए, और तब तक के हम संकल्प लेते हैं तो उनके हत्यारे और षड्यंत्रकारी को पकड़ते रहें।